सभी गेस्ट चाचा साथियों को नमस्कार। कल दास संगठन के प्रतिनिधि गोविंद सर लाइव थे, एक बहुत बड़े धमाके के साथ, गेस्ट टीचर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। क्या ये सच में खुशखबरी थी या बहुत बड़ा मजाक था? क्या सच में ये बड़ा धमाका था या बिल्कुल फुस था? सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। लगभग 20 से 25 मिनट की वो लाइव वीडियो थी, जिसे कुछ साथी देख पाए, कई साथी नहीं देख पाए। जो साथी देख पाए हैं वो भी कितना देख पाए हैं और उन्हें कितना समझ में आया, क्योंकि वीडियो देखने के बाद कई सारे कमेंट्स मेरे पास भी आए। क्या था उस लाइव वीडियो में, क्या कहे गए गोविंद सर, और जो कहे गए हैं उसका क्या असर पड़ेगा, क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन वो हो नहीं पाती हैं, तो आखिर प्रॉब्लम क्या आती है और अब होगा क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट टाइम में गेस्ट टीचर्स वैसे तो छोटे बड़े कई सारे ग्रुप में बटे हुए हैं, बट तीन बेसिकली बड़े ग्रुप में बटे हुए हैं। हम ये कहें कि तीन संगठन हैं या उन्हीं संगठनों को फॉलो करने वाले तीन मत बन चुके हैं। पहला मत है जो सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाहती है, वो कहती है कि भैया सरकार से लड़कर के कुछ नहीं मिलेगा, सरकार के साथ चल करके मिलेगा। दूसरा ग्रुप जो कहता है कि भाई सरकार ऐसे कोई काम नहीं करेगी, हमें करना है आंदोलन, बहुत बड़ा धरना करना है और धरने से हमें अपनी बात को मनवानी है। तीसरा जो दल है वो है जो कहता है कि भैया हमें कोर्ट का सहारा लेना है और कोर्ट जो है ना वो सबकी सुनता है, सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। अच्छा, कुछ साथी जो है सरकार के साथ होने वालों के साथ हो गए, कुछ साथी आंदोलन वालों के साथ हो गए, कुछ साथी कोर्ट वालों के साथ हो गए, एंड बड़ी संख्या में वो हैं जो या तो किसी के साथ नहीं है या सबके साथ हैं। और हम एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो हमें भी पता है कि साम दाम दंड भेद है ना, कोई भी चीज़ आराम से हो जाए सबसे बढ़िया, प्यार मोहब्बत से हो जाए तो भाई ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना धरने की ज़रूरत है, ना लड़ने झगड़ने की, तो आराम से हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन जब बात आराम से नहीं होता तो साम दाम फिर दंड भेद, तो हमें धरने भी करने होते हैं, कोर्ट से भी अपनी बात को मनवानी होती है। तो फिलहाल ये है कि मेरा सबसे पहले तो पर्सनल आप लोगों को सजेशन है, एज ए गेस्ट टीचर आप जो कहते हैं सरकार के साथ मिलकर के होगा तो भैया उनके साथ भी हो जाओ, जो कहते हैं कि धरना देकर के होगा तो उनके साथ भी हो जाओ, और जो कहते हैं कि भैया कोर्ट से ही हमें सहारा मिलेगा, कोर्ट ही सहारा है, तो उनके साथ भी हो जाओ। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सरकार के साथ मिलकर के है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सरकार के ही आसपास घूमना पड़ेगा, और इसमें लगता है टाइम ज़्यादा है ना, भाई सरकार कब मानती है और क्या सरकार का फ़ायदा है, सरकार ये देखेगी है ना, सरकार को गेस्ट टीचर से कोई लेना देना नहीं होगा, सरकार अपना फ़ायदा देखती है और जहाँ सरकार का फ़ायदा होगा सरकार साथ चलने वालों की बात मान लेती है। दूसरा है धरना। अब यह धरने से सबसे जल्दी रिजल्ट मिलता है, लेकिन धरना होना चाहिए बड़े लेवल पर, और जब बड़े लेवल पर कोई आंदोलन होता है तो अन्ना हजारे वाला आंदोलन भी सफल हुआ और उसी आंदोलन से केजरीवाल जी भी आए, ठीक है। तो ये फैक्ट है कि धरने से काम बनेगा, और अगर धरने से भी नहीं बन रहा है तो भैया कोर्ट का रास्ता खटखटाइए, उसका रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है, पैसे बहुत लगते हैं क्योंकि आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हाँ रिजल्ट मिलता है। अब इसी कोर्ट का सहारा ले रहे हैं गोविंद सर। गोविंद सर जो है कोर्ट में कई सारे पहले भी कई सारे वो तो भाई कोर्ट के लिए बदनाम भी हो रखे हैं कि भाई इतने पैसे ले गए, इतने पैसे ले गए, इतने पैसे चले गए। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोर्ट में जो भी काम होता है ना वो फ्री में नहीं होता, ठीक है। धरने फ्री में हो सकते हैं, हालांकि धरने में भी पानी वानी बांटना और बैनर वगैरह लगाना तो वो भी फ्री में नहीं होता। आपका फ्री में कौन सा काम होगा, सरकार के साथ मिल करके, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है ना, आपको गुलदस्ता देना हो सकता है कई बार तो 2-5 हज़ार रुपये का, लेकिन धरने में भी खर्चा होता है और ज़्यादा खर्चा होता है कोर्ट कचहरी में, ठीक है। तो भैया पैसे लगे हैं तो यार कोर्ट में तो पैसे ही लगेंगे। अब जो गोविंद सर है उन्हीं के कोर्ट केस के कारण जो आज लीफो है आप सबके सामने, क्योंकि ये जानकारी सभी को होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा रिन्यूअल का केस है वो भी कोर्ट के थ्रू ही आया है, हालांकि उसमें मतलब कई साथियों ने उसमें इन्वॉल्व थे, पैसे दिए थे, लेकिन क्या है कि कोर्ट से ही रिन्यूअल हुआ है, कोर्ट से ही लीफो आया है, एंड जहां तक मेरी जानकारी है कि कोर्ट से ही गेस्ट टीचर्स को, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिली है। तो इसी कोर्ट का सहारा लेते हैं गोविंद सर। अब कोर्ट में एक फाइल चल रही थी, वैसे तो कई सारे केस चल रहे हैं, परमानेंट का भी चल रहा है,
लेकिन एक केस था कि भाई सैलरी नहीं बढ़ रही है, समान कार्य समान वेतन। अब आपने से कई सारे साथी कहेंगे कि भाई समान कार्य समान वेतन वाला तो ऑलरेडी पहले से कई राज्यों में इसका डिसीजन आ चुका है। तो देखिए राज्य जब क्या होता है कि कॉमन नियम होता है वो सबके लिए होता है, और एक पार्टिकुलर नियम किसी डिपार्टमेंट के लिए किसी स्टेट के लिए होता है। मान लीजिए 8वीं तक सबकी फ्री पढ़ाई ये सभी स्टेट में है, अब कोर्ट ने कह दिया कि सबको फ्री में मिलेगी एजुकेशन, लेकिन अगर किसी राज्य में फ्री में नहीं मिल रहा है तो वो राज्य कोई बच्चा फ्री में मुझे एजुकेशन नहीं मिल रहा तो वो कोर्ट में चला जाता है, और फिर कोर्ट उसके लिए अलग से डिसीजन निकालता है कि भैया 8वीं तक जो फ्री एजुकेशन है अगर वो रूल है तो इस बच्चे को क्यों नहीं मिल रहा, तो फिर वो अलग से केस जीत करके और वो अपना फ्री एजुकेशन लेता है। कुछ ऐसा ही है समान कार्य समान वेतन के, वैसे तो बहुत सारे डिसीजन आए लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर्स ने पहली बार ये केस डाला है समान कार्य समान वेतन का। इसमें जो गोविंद जी ने कई सारी बातें रखी हैं, ईएल की बातें की हैं और फिक्स सैलरी की बातें की हैं, है ना, कई सारी चीज़ें हैं, तो उसी के सिलसिले में वहाँ पर एक डिसीजन आया है जो पॉजिटिव रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सैलरी 7-8 साल से नहीं बढ़ी है उसी सैलरी को बढ़ाने के लिए केस किया गया था और उस पर सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, और अब जो है क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो भाई जो वकील केस लड़ रहे होते हैं वो बता देते हैं कि भैया आज की केस में ये रहा कि सब कुछ पॉजिटिव रहा और अब ये होगा। अब उस कोर्ट का उस डिसीजन का जो मतलब हार्ड कॉपी आती है वो 2-3 दिन लग जाते हैं साइट पे अपलोड होने में, लेकिन उसकी सूचना पहले से मिल जाती है जो गोविंद सर को मिल गई थी और उन्होंने सबके साथ शेयर की है, और खुशी वाले पल सबके साथ शेयर करने चाहिए। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप जितना ज़्यादा टांग खिंचाई करते हैं अगर उससे ही ज़्यादा या उतना ही आप सही काम की तारीफ में लगा देंगे ना तो काम करने वालों को एनर्जी मिलती है। भले ये कोर्ट से डिसीजन आया तब भी तारीफ करो, भले धरने से रिजल्ट मिले तब भी तारीफ करो, भले सरकार से मिलकर के अगर काम हो रहा है तब भी तारीफ करो, क्योंकि तारीफ से ना मोटिवेशन मिलता है। तो अभी काबिले तारीफ गोविंद सर का सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से धन्यवाद कि जो केस लड़ रहे हैं भाई, जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनका धन्यवाद बेसिकली, और जिन्होंने नहीं लगाए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इन्वॉल्व ज़रूर रहें आप, क्योंकि अगर सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बड़ा सा एक केस डाला जा सकता है जिसमें रेगुलर वाली बात कही जा सकती है, मतलब रखी जा सकती है। तो फिलहाल जो समान कार्य समान वेतन वाला है वो पॉजिटिव रहा है और उसका सही डिसीजन आ गया कि भैया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं 7-8 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है तो अब वो डिसीजन आया कि उनकी सैलरी बराबर कर दी जाए, मैंने कि समान कार्य समान वेतन सैलरी बढ़ाई जाए। ठीक, अब कई सारे साथी ये कहेंगे कि भैया भले कोर्ट से ऑर्डर आ जाए लेकिन होता तभी है जब डिपार्टमेंट एग्री करता। ये बिल्कुल सच है भाई, कोर्ट के ऑर्डर तो कई बार आते लेकिन डिपार्टमेंट मानता ही नहीं, सरकार मानता ही नहीं, तो जब डिपार्टमेंट ना माने सरकार ना माने तो इसके लिए कोर्ट कंटेम्प्ट का एक मतलब फिर से फाइल लगानी पड़ती है कि भाई आपने कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना की है। ठीक है, तो अलग से फाइल लगती है और उसके बाद अप्रूवल में आ जाता है, मतलब सरकार को मानना पड़ता है। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर मैं आपको बताऊं तो पीछे हमारे जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं उन्होंने भी परमानेंट के लिए केस डाला था, पहले कैट में डाला, कैट से वो जीत गए और कैट ने कहा कि भाई इन्हें रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार केजरीवाल की सरकार ने इसको नहीं माना और वो इसके खिलाफ चली गई हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में भी केस लड़े एंड हाईकोर्ट से भी जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर वो जीत गए, तो भाई केजरीवाल सरकार ने फिर भी नहीं माना और वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब केस लड़ा गया तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली एंड फाइनली, क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर केजरीवाल सरकार को उन कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलर करना पड़ा, जो कि आपने न्यूज़ भी सुनी होगी। तो कुछ ऐसा ही अभी भी होगा, सैलरी बढ़ने वाली जो कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ चुका है इजीली मान लिया जाना चाहिए क्योंकि 7-8 साल से नहीं बढ़ी है। अब होगा क्या, इसमें ये होगा कि कोर्ट से ऑर्डर आया है, इसी दौरान चुनाव भी चल रहे हैं तो भाई चुनाव में सरकार भी चाहेगी कि सैलरी हम खुद बढ़ा दें, तो जो कोर्ट की बात आई है उससे पहले उसे तो सरकार बढ़ा दें, भाई सरकार को भी अपनी वाहवाही लूटनी है और कोर्ट ने डंडा किया है तब सैलरी बढ़ी है, उससे बेटर है कि सरकार खुद बढ़ा दे तो सरकार को फिर वाहवाही लूट लेगी, है ना। लेकिन ओवरऑल जो है फ़ायदा गेस्ट टीचर्स को ही है, चाहे कोर्ट से माने तब और चाहे खुद बढ़ा दे तब। दूसरी चीज़, अब क्या क्या इसमें मिलता है वो तो डिसीजन बाद में आएगा, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है फिर भी, ना कोर्ट का मानती है ना खुद कुछ करती है, तो ऐसे में ऑप्शन होता है फिर से एक और फाइल डाली जाती है, उसे रिट कहते हैं, ऐसा कुछ है,
जहाँ तक मुझे समझ है, और उसमें ये कहा जाता है कि जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको डिपार्टमेंट सरकार मान क्यों नहीं रही है, तो कोर्ट की अवहेलना के लिए फिर से एक छोटा सा फाइल डाला जाता है। तो ये प्रोसीजर है। एंड फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा गोविंद सर और उनकी टीम को जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। बाकी सभी साथी आप क्या क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर रखें, लेकिन मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि भैया सरकार के साथ मिलने वालों का भी साथ दे दो, धरने वालों का भी साथ दो, कोर्ट वालों का भी साथ दो। और अगर आपने कोर्ट वालों का साथ दे दिया तो इसमें पैसा लगेगा, लेकिन सबके पैसे इकट्ठे होने के बाद एक बड़ा केस डाला जा सकता है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, और उस पुराने केस को मजबूती मिलेगी जब एक साथ सारे टीचर्स जुट जाएंगे। बाकी आप अपनी जो भी ओपिनियन है, छोटे बड़े सजेशन सुझाव जरूर रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आपको जो भी नई नई अपडेट है वो लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।